सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टिचिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको इकट्ठे कपड़े की यानी कि सलवार पर जो हम पैंचे बनाते हैं उसके लिए सेपरेट कपड़ा लगाए बगैर मैं आपको पोंचा बनाने का तरीका बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोज को सबसे पहले देख सकें। चलिए मैं आपको पैंचा बनाने का तरीका समझाती हूँ। अच्छा, अब मैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि शलवार की कटिंग बिल्कुल वैसे ही है, उसी रवायती तरीके से जो मैं आपको पहले कई मर्तबा समझा चुकी हूँ। आज मैं सिर्फ सिंपल पैंचा बनाने का स्टाइल आपको बता रही हूँ। उसके लिए देखें, ये जो अब मैंने कटिंग की थी तो कपड़े को कटिंग करने से पहले मैंने इस तरह रख लिया था। इससे क्या होता है कि आपको सेपरेट जो पैंचा बनाने के लिए पट्टी अलग से नहीं लगानी पड़ती और ना यहाँ सिलाई आती है। अच्छा, बस इसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है, ये जो मैंने कपड़ा फोल्ड किया है मेरी जितनी शलवार की लंबाई आमतौर पर 41 या 38 इंच होती है उससे ये मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है। यही आपने करना है जब भी अपनी शलवार की कटिंग करेंगे, जो भी आपकी लेंथ होगी शलवार की उससे 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा काटेंगे। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं कि मैंने चूंकि इसको डबल करके ऊपर की तरफ इसकी कटिंग की है इसलिए ये इस वक्त बराबर है और बाद में ये इस शेप की हो जाएगी। क्योंकि जब भी हम पैंचा बनाते हैं इसको फोल्ड करते हैं तो ये ऊपर की तरफ होता है, इसलिए हमने इसकी कटिंग यूं की है। ये देखें, इसका फायदा ये पहले हमारे पास यूं थी, ये आपको ये बाहर की तरफ लगी, लेकिन जब हमने इसको ये पैंचा बनाना है चेपी टिकन लगाकर तो फिर हमने इसको ऊपर की तरफ करना है, तो ये देखें दोनों तरफ से ये इक्वल हो जाएगी, इसका ये बेनिफिट है। चलिए अब हम इस्त्री की मदद से चेपी टिकन लगाएंगे और फिर अपना पोंचा तैयार करेंगे। मैंने इस तरह कपड़े को खोल लिया, खोलने के बाद ये नॉर्मल मैंने 1 इंच के साइज के हिसाब से चेपी टिकन काटा। इसका तरीका मैं आपको अपने पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि किस तरह कटिंग करते हैं। आज हम सिर्फ इसको डायरेक्ट यहाँ पे चिपकाएंगे। एक मैं साइड पे कर लेती हूँ, ये इसका जो शाइनी साइड है वो नीचे की तरफ, अब हम इस ये चिपक गया। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा यूं फोल्ड करूंगी। जितने थ्रेड्स हैं ये हम कटिंग करके उतार लेंगे साइड से। अब हम इसको यहां ले आए, इसी तरह मैं दूसरा पैंचा तैयार कर लूंगी। हम इसको सिलाई लगाएंगे। अब हमारा ये एक पोंचा तैयार हो गया। सेम इसी तरीके से अब मैं दूसरी तरफ सिलाई लगाऊंगी। ये देखें, अब ये हमने इस तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम बिल्कुल यहाँ लास्ट पर सिलाई लगाएंगे। अब ये जो दूसरी सिलाई लगानी है हमने सीधी साइड पर और ये लास्ट पर हम सिलाई लगाएंगे। पहले हमने एक सिलाई लगाकर दिखा दी, अब ये दूसरी सिलाई। अब ये मेरा एक पैंचा तैयार हो गया। इसी तरह अब मैं दूसरे पैंचे पर सिलाई लगाऊंगी। अब मैं ये दूसरे पैंचे पर लगा रही हूँ सिलाई। अब ये हमारे पैंचे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। मैंने ये एक सिलाई लगाई है, आप चाहें तो एक पैर के वक्फे से इसको 8, 6 या 4 जितनी सिलाइयां लगानी चाहें वो आप लगा सकते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पे पैंचा कंप्लीट हो चुका है। ये देखें व्यूअर्स, अब हमारे पैंचे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये बगैर जोड़ के
हमने पोंचे बनाया है, इसके लिए हमने एक्स्ट्रा कपड़े का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि कटिंग करते हुए हमने शलवार में ही पेंचे का कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था और फिर उसकी मदद से हमने ये पेंचे तैयार किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का आपको ये स्टाइल और डिज़ाइन समझ आ गया होगा कि पेंचा किस तरह बनाते हैं। इंशाल्लाह एक बार फिर नए डिज़ाइन और स्टाइल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।